ये खबर है कि 6-7 घुसपैठिए जो पाकिस्तान से थे वो तकरीबन तकरीबन हमारी बॉर्डर क्रॉस करके हमारी पोस्ट के पास में पहुंच गए थे, और उसकी इस पहुंच की मदद के लिए पाकिस्तान की जो नेबरिंग पोस्ट थी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर स्मॉल आर्म्स और मोटर फायर किया। हर सीज फायर वायलेशन का, जैसे मैं अक्सर कहता रहा हूँ, मकसद एक ही है, घुसपैठियों को भेजना। और ये बैट एक्शन जो है उनकी बॉर्डर एक्शन टीम जो हाईली ट्रेन कमांडोज हैं, स्पेशली इक्विप्ड हैं, स्पेशली ट्रेन हैं और जो गर्दन काटने में माहिर हैं, ये करन पोस्ट में इस एरिया में आए थे वही करने के लिए जो पहले करते रहे। लेकिन हमारे ट्रुप सतर्क थे, उनको वापस रिट्रीट करना पड़ा। उनमें हमारी तरफ किसी प्रकार का कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, उधर कितनी कैजुअल्टीज हुई नहीं ये पता। लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तान के काफ़ी से ज़्यादा, तकरीबन 750 से करीब घुसपैठिए जो हैं वो लॉन्च पैड्स पे आ चुके हैं। ये सारे लॉन्च पैड्स हमारे निगरानी में हैं। इसी माफिक का जो हादसा है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सारे के सारे लॉन्च पैड्स को हिंदुस्तान को एक ही समय सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। ये सारे के सारे हमारे आर्टिलरी रेंज के अंदर है, मोटर रेंज के अंदर है।